माँ बाप की जरा सी लापरवाही एक मासूम की कैसे जिंदगी खराब कर देती है वो शायद बताने की जरूरत नहीं है। ये हम सब जानते हैं कि पति पत्नी के आपसी झगड़े बच्चों पर बुरा असर डालते हैं। उन्हें छोटी उम्र में इनकी वजह से बहुत कुछ झेलना पड़ता है। लोग तलाक की बात कहकर उनके बच्चों को टॉर्चर करते हैं। हैरानी की बात तो ये है कि ये जब नामी गिरामी लोग करते हैं, इनसे क्या प्रेरणा मिल सकती है वो आप अच्छी तरह से जानते हैं। हम बात करण मेहरा और निशा रावल की कर रहे हैं, जिनका झगड़ा अब इस कदर आगे बढ़ चुका है कि इनका बच्चा बीच मझधार में फंस गया है। जी हाँ, एक तरफ माँ बेटे की कस्टडी लेना चाहती है तो दूसरी तरफ पिता जबरदस्ती बेटे की कस्टडी लेने के लिए दांव पेच लगा रहे हैं। बेटे की कस्टडी लेने के लिए पिता वो सब करने को तैयार है जो बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। कुछ दिन पहले ही दोनों के बीच झगड़ा दिखाया गया था, निशा पर किस तरह से करण ने अत्याचार किए उन सब का निशा ने खुलासा किया और पति के खिलाफ केस दर्ज करवाया था। हालांकि करण मेहरा को उसी दिन बेल मिल गई थी, लेकिन अब करण मेहरा ने जो किया वो देखिए। करण मेहरा ने कहा कि निशा रावल ने मुझ पर और मेरे परिवार के खिलाफ घरेलू हिंसा का झूठा मुकदमा दायर किया था, मुझे उसी दिन बेल मिल गई थी। मुझ पर दबाव बनाने के लिए निशा रावल लगातार झूठे आरोप लगा रही है। उसने धारा 377 के तहत मुझ पर केस किया है। इसके अलावा उसने मुझ पर दहेज और सेक्सुअल अब्यूज के भी आरोप लगाए हैं। अगर ये सब आरोप सच हैं, तो उसने एक्शन लेने में इतने साल क्यों लगा दिए। करण ने आगे कहा, उसने मेरे माता पिता और भाई को जेल पहुंचा दिया। अब धीरे धीरे सब ठीक हो रहा है। मेरे पास निशा रावल के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठे हो चुके हैं। ट्रायल के दौरान मैं ये सबूत पेश करूंगा। ये लड़ाई ऐसे खत्म होने वाली नहीं है। मैं एक एक करके अपनी परेशानियों का सामना करूंगा। जल्द ही मैं अपने बेटे की कस्टडी भी हासिल कर लूंगा। मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कस्टडी मिलने में कितना समय लगेगा। उसकी वजह से मैं अपने बेटे से नहीं मिल पा रहा हूँ। वो असल जिंदगी में कुछ और है और सोशल मीडिया पर कुछ और बता रही है। खबरें तो ऐसी भी है, करण मेहरा जबरदस्ती बेटे की कस्टडी लेना चाहते हैं। वो बेटे की कस्टडी के लिए कुछ भी पैतरा आजमा सकते हैं। करण मेहरा क्या करने वाले हैं वो भी बहुत जल्द पता चल जाएगा। वेल, आप इन्हें क्या राय देना चाहेंगे? कहीं ऐसा ना हो ये पति पत्नी अपने झगड़े की वजह से अपने बेटे से हाथ धो बैठे। एक्टर करण मेहरा इन दिनों पत्नी निशा के साथ मारपीट करने पर खूब सुर्खियों में है। वो करण मेहरा जो टीवी के भोले भाले एक्टर कहलाते थे, ये भोला भाला एक्टर घर में अपनी पत्नी के लिए ही नहीं बल्कि अपने मासूम बेटे के लिए भी हैवान है। जी हाँ, करण की पत्नी निशा रावल ने बताया कि करण बेटे के साथ भी दिखावा करता था। सच कहें तो वो उसकी कोई जिम्मेदारी ही नहीं लेता था। पत्नी ने बताया कि वो अपनी रिस्पेक्ट के लिए तलाक नहीं लेना चाहता, जबकि दूसरी लड़कियों के साथ संबंध रखता है। उसको तो अपना बेटा भी पसंद नहीं। और ये बात कहीं ना कहीं सच भी साबित इसलिए दिख रही है क्योंकि करण और निशा अपने बेटे से पहले एक बच्चा खो चुके हैं। तब निशा का मिसकैरेज हो गया था। कहीं ना कहीं अब उससे साबित होता है कि करण की हैवानियत की वजह से तो नहीं निशा का मिसकैरेज हुआ। जहां पत्नी करण की हरकतों का खुलेआम भंडा फोड़ रही है, तो वहीं करण के दोस्त जो उनके साथ सीरियल में काम करते हैं, वो करण का जमकर सपोर्ट भी कर रहे हैं। जी हां, करण के ऑन स्क्रीन बेटे ने भी करण को लेकर बड़ा खुलासा किया है। टीवी शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में करण मेहरा के बेटे का रोल निभा चुके एक्टर रोहन मेहरा ने अपने ऑन स्क्रीन पिता की गिरफ्तारी की खबर सुनकर काफी हैरानी जताई है। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया कि करण को मैंने कभी किसी से ऊंची आवाज में बात करते हुए नहीं देखा, उन्हें कभी गुस्सा होते हुए भी नहीं देखा। रोहन ने आगे कहा, ये सुनकर मैं काफी शॉक्ड हूँ, लेकिन इस मामले पर मैं अपनी कोई विचार नहीं दे सकता क्योंकि ये उनका पर्सनल मैटर है, ये उनकी पर्सनल लाइफ है। ये बात केवल उन्हें ही पता है कि क्या गलत हुआ है और क्या सही हुआ है, ये उनकी पत्नी ही जानती होंगी। मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि करण को मैं पिछले 5-6 सालों से जानता हूँ और मैंने उन्हें जितना देखा वो वाकई में बहुत ही बिंदास इंसान है। वो अपने रील से हटकर रियल लाइफ में बहुत ही सुलझे और अच्छे इंसान है। वो सेट पर सभी के लिए काफी रिस्पेक्टफुल पर्सन रहे। वो हमेशा सभी के साथ काफी कूल रहे, यहाँ तक कि टेक्नीशियन से भी काफी शांत और अच्छे बिहेवियर के साथ वो बात करते थे। अब आप ही बताइए कि यहाँ पर क्या सही है और क्या गलत है। करण मेहरा देश दुनिया में फैली बीमारी से तो पहले ही परेशान थे और हाल ही में उन्होंने इस बीमारी और अपनी पत्नी को लेकर दर्द भी बयां किया था कि अब उन पर एक और दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। करण मेहरा ने जो सपने में भी नहीं सोचा था
वो उनके साथ हो गया। उन्होंने सोचा नहीं था कि उन्हें इस वक्त जेल के चक्कर लगाने होंगे। जी हाँ, उनकी खुद की पत्नी निशा ने उन पर मारपीट का इल्जाम लगाकर पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी थी, जिसके बाद उन्हें फौरन गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि उन्हें बेल मिल गई है और निशा और करण दोनों ने कुछ भी कहने से मना कर दिया। जी हाँ, दोनों मीडिया के सामने चुप्पी साधते नजर आए। निशा ने तो इस बात को अफवाह बताकर अपना पल्ला झाड़ लिया। निशा का कहना है कि उनका रिश्ता बिल्कुल ठीक है और कुछ भी नहीं हुआ है। ये सब खबरें फालतू आ रही हैं। पता नहीं लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं। अब सोचने वाली बात तो यही है कि अगर निशा और करण के बीच सब कुछ ठीक है तो फिर करण को पुलिस ने गिरफ्तार किस केस में किया? क्या कोई दूसरा मैटर है? हो भी सकता है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही करण ने अपनी बीमारी और पत्नी के बारे में दिल की बात शेयर की थी। करण ने कहा था कि इस बीमारी ने कई अपनों को खो दिया है। उनकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी। इस मुश्किल वक्त में करण का साथ सबसे ज्यादा उनकी पत्नी निशा ने दिया। करण ने खुद बताया कि उनकी पत्नी ने उनकी बहुत देखभाल की। अब भला ऐसा पति कैसे अपनी पत्नी को मार सकता है? और ये सब करण ने 8-10 दिन पहले ही कहा था। तो 8-10 दिन में ऐसा क्या हो गया कि करण और निशा के बीच इतने रिश्ते खराब हो गए कि मामला पुलिस तक पहुंच गया और करण को गिरफ्तार कर लिया गया। अभी तक पता नहीं चला कि किस मैटर में करण को गिरफ्तार किया गया, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि करण और निशा के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। अगर ऐसा ही रहा तो आप भी एक दिन सुन लेंगे इनकी तलाक की खबरें, क्योंकि खबरें अब ऐसी हैं कि इनका रिश्ता तलाक की राह पर पहुंच गया है। ऐसा ना हो कि करण को खुद निशा को घर से धक्के मार कर निकालना पड़े, क्योंकि कोई भी पति और खासकर ये टीवी एक्टर अपनी ऐसी बेइज्जती नहीं करा पाएंगे, क्योंकि निशा ने करण पर मारपीट का आरोप लगाया है। कोई पति ये सब कैसे सुन लेगा? कुछ तो बात है। फिलहाल तो दोनों के बयान का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि इंडस्ट्री में इस कपल की इस बयान से हलचल मची हुई है। इस खबर ने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि ये कपल अपनी फैमिली में बहुत खुश था और अपने बेटी के साथ तो बहुत ही खुश था। अचानक ऐसा क्या हुआ कि इस कपल की जिंदगी में ऐसा तूफान आ गया है? फिलहाल तो हर कोई करण और निशा के मुंह से इस मैटर के बारे में सुनना चाहता है। इनके बीच हुआ क्या है, कहां से ऐसी खबरें उड़ी? सबसे बड़ी बात, करण गिरफ्तार किस केस में हुए? अगर निशा नहीं तो फिर किस केस में गिरफ्तार हुए? बता दे, करण मेहरा और निशा रावल की मुलाकात साल 2008 में फिल्म हंसते हंसते के सेट पर हुई थी। उस फिल्म में करण मेहरा बतौर स्टाइलिस्ट काम कर रहे थे। एक्टर होने के साथ साथ करण मेहरा फैशन ग्रेजुएट भी हैं। निशा को देखते ही करण मेहरा को उन पर प्यार आ गया। कुछ सालों तक दोनों ने एक दूसरे को डेट किया और साल 2012 में इन्होंने शादी कर ली। एक्टर करण मेहरा टीवी की दुनिया में सबसे लोकप्रिय नाम है, जो सबसे लंबे समय तक चलने वाले टीवी शो ये रिश्ता क्या कहलाता में नैतिक सिंघानिया का रोल में नजर आ चुके हैं। इनका ये रोल काफी पसंद गया और काफी सुपरहिट गया। उनके साथ लीड रोल में हिना खान नजर आई थी। उन्होंने अक्षरा का रोल निभाया था। करण ने बिग बॉस 10 में भी भाग लिया और निशा के साथ नच बलिए 5, किचन चैंपियन 5 का भी हिस्सा ले चुके हैं। तो आप भी इस कपल को लेकर अपनी राय जरूर दें।